हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का टेम्पलेट चेंज कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइज, आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसमें आपको अनलिमिटेड टेम्पलेट्स डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उस यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। चैनल पर नए हो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग करते नहीं हो लेकिन फिर भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी एक वेबसाइट पर लेके जाता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट डेमो वेबसाइट है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से देख रही है, ठीक है। अभी इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं ब्लॉगर की फ्री वाली टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। आप नीचे चाहे तो देख सकते हैं, पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसका लुक प्रोफेशनल की तरह करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करनी होगी इसकी टेम्पलेट चेंज। तो टेम्पलेट चेंज करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें करना होगा टेम्पलेट को डाउनलोड। डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली गूगल पे आके सर्च करना है आप लोगों को गोयाबी टेम्पलेट, ठीक है। इतना लिखने के बाद सर्च कर देना है। करने के बाद गाइस, आपके सामने पहली वेबसाइट दिख जाएगी जिसका नाम है www.goyabitemplates.com। तो इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, इस वेबसाइट के अंदर आपको अनलिमिटेड टेम्पलेट्स मिलने वाली, वो भी बिल्कुल फ्री में। प्लस देख सकते हैं, आप इस लिखा है रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, SEO रेडी टेम्पलेट्स। तो गाइस, सारी की सारी SEO रेडी टेम्पलेट्स हैं और फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलने वाली, बहुत सारी हर एक वेबसाइट के लिए, चाहे जॉब वेबसाइट हो, एफिलिएट वेबसाइट हो, हेल्थ वेबसाइट हो, न्यूज़ वेबसाइट हो, हर एक कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना। तो मेरे को सिखाना था डाउनलोड कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ सिखा दिया, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के डाउनलोड करके इंस्टॉल करना हम सीखने वाले हैं कि अपनी टेम्पलेट को चेंज कैसे करना है, उसके बारे में जानेंगे। तो फटाफट से मैं एक टेम्पलेट रैंडमली डाउनलोड कर लेता हूं। तो इस टेम्पलेट का नाम है गाइस इवेंटिफाई, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। जब इसको इसका यहां से डाउनलोड करेंगे, क्लिक कर लेते हैं फटाफट से, या डाउनलोड का सेक्शन मिल जा रहा है मुझे। तो मेरी टेम्पलेट ये डाउनलोड हो गई। इसका लाइव प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूं, इस टेम्पलेट का लुक कैसा है। आपको इस वेबसाइट के अंदर गाइस आने के बाद, गोयाबी में आने के बाद, अपने हिसाब से टेम्पलेट चूज़ करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी टेम्पलेट आपको अच्छी लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हो। सारी रिस्पॉन्सिव है और एड्स रेडी टेम्पलेट है, आपको एडसेंस के लिए भी आसानी होगी, ठीक है। और आपको अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आपको ईजिली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और यहाँ से इसको कस्टमाइज करना भी बहुत आसान है, ठीक है। इस टेम्पलेट को जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया यहाँ पर, इस टेम्पलेट का नाम है इवेंटिफाई, ठीक है। तो डाउनलोड हो चुकी है, फटाफट से इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं, ठीक है। चलते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद गाइस, दूसरा स्टेप आपका क्या है, ये रहेगा। आपको चलना है डाउनलोड वाले सेक्शन में, जो भी आपने टेम्पलेट डाउनलोड की होगी, ठीक है। उसको करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए गाइस, यहाँ पे सिंपली इसको लाके कर्सर को क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट रोल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो एक्सट्रैक्ट, तो ये सारी फाइल इसकी जितनी भी होगी, सारी जिप फाइल होगी, ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। अब फटाफट से इसको काट देते हैं, ये हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इसी फाइल को हमें अपलोड करना है, कैसे करना है आप देखते हैं। यहाँ पर ब्लॉगर डैशबोर्ड में गए, एंड यहाँ पे चलते हैं गाइस, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे होने के बाद गाइस, आपको आना है यहाँ पे थीम वाले सेक्शन पे। थीम वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है। एंड यहाँ पे आने के बाद इस एरो वाला निशान पे क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी एक टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरी वेबसाइट की टेम्पलेट मतलब यूज़ कर रहे हो, ऑलरेडी एडिट टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, तो उसका पहले बैकअप ले लेना, क्योंकि आपने जो भी डाटा सेव किया होगा, कुछ भी एडिटिंग की होगा एचटीएमएल कोडिंग में, वो आपके उस डाटा में सेव रहेगा। तो उसका बैकअप पहले ले लेना आप लोगों को, उसके बाद करना है। अब हमें चेंज करने के लिए सिंपली रिस्टोर वाले ऑप्शन में जाना है। तो रिस्टोर पर जाते हैं, एंड यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन में जाते हैं। जाने के बाद गाइज, हमें चलना है इवेंटिफाई पे, क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है गाइज, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको यहाँ पे XML, तीसरे नंबर में ना यहाँ पे XML लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इवेंटिफाई फ्री वर्जन लिखा हुआ है, XML इसको अपलोड करना है, ठीक है। XML ध्यान देना, XML लिखा होना चाहिए, उसी फाइल को हमें अपलोड करना है। तो सिलेक्ट कर लिया एंड क्लिक कर दिया। अब लास्ट में हमारा रीस्टोरिंग टेम्पलेट हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर, थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये टेम्पलेट अपलोडिंग होने में टाइम लेती है। तो अपलोड हो गई गाइस सक्सेसफुली विद इन अ सेकेंड के अंदर। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से, मैं इसको फटाफट से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कुछ बदली कि नहीं बदली। देख सकते हैं गाइस, आपके सामने लाइव है, हमारी टेम्पलेट बिल्कुल बदल चुकी है, वो भी विद इन अ सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो यार, आप भी ऐसी टेम्पलेट यूज़ करके अपने ब्लॉगर को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टेम्पलेट एडिट करना है तो वो भी बहुत आसान है गाइस, ठीक है। ब्लॉगर वाले सेक्शन में जाना, ब्लॉगर डैशबोर्ड को ओपन करना, एंड लेआउट वाले सेक्शन में चले जाना इसको एडिट करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई है गाइस, उसको अपने हिसाब से लेआउट वाले सेक्शन में जाके डिटो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जो सोशल टॉप के लिंक्स हैं,
ये वाले यहाँ से ही चेंज हो जाएंगे, यहाँ से आपको जो करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेडर का लोगो है, इसको हटाना है तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। मतलब टोटल यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी एडिट करने के लिए, जो जो चीज़ें आपको हटानी है आपको यहाँ से लेआउट वाले सेक्शन में हटा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही था, मैंने डाउनलोड करना सिखा दिया यहाँ पर। इसके आने वाले पार्ट्स और भी आएंगे, इसको एडिट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, क्योंकि मैं आज की वीडियो में बस यही सिखाना था कि टेम्पलेट को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, बहुत सारे बंदों के यही क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, एडिटिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो यार भाई की वीडियो को एक लाइक दे देना प्यारा सा, और यार कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन है ना कर दिया करो। ठीक है, उसी रिलेटेड मैं हमेशा आंसर देता हूँ हमेशा, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करके जाते नहीं बड़ी बड़ा यार बेकार लगता है मुझे, सब्सक्राइब करो यार फटाफट से, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं मुझे इसी महीने में। ठीक है, उसके बाद मेरे को आना है लाइव। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, उनको संडे में लाइव बैठ के आराम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।